वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस सो पंद्रह मई को पाकिस्तान आर्मी की जानेब से फतः टू गार्डेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा तो किया गया था तेरह मई को एक नो टैम रिलीज किया गया था जिसमें तेरह सौ किलोमीटर की रेंज को चौदह से पंद्रह मई तक नो फ्लाई ज़ोन करार दिया गया था इस चीज़ की स्पेकूलेशन मौजूद थी कि इस नो टैम की शुरुआती लोकेशन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास है इसलिए शायद किसी किस्म के न्यूक्लियर मिज़ाइल का टेस्ट जो है वो चौदह से पंद्रह मई को किया जा सकता है लेकिन इसके बरक्स फ़तेह टू रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट में जो है पाकिस्तान आर्मी की जानब से अपने लॉन्च प्रोसीजियर को मज़ीद रिफ़ाइन और स्मूथ बनाने पर ज़ोर दिया गया है ना फतेह मिजाल सीरीज़ की डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान आर्मी के लिए एक नया फेज़ आप उसको कह सकते हैं एक नया शिफ्ट कह सकते हैं एक नई डॉक्ट्राइन कह सकते हैं कि इससे पहले आर्टिलरी बेस्ड वेपन्स पे जो है आ, लेट्स से कि पाकिस्तान आर्मी जो है ट्रडिशनली अगर आप उसका फोकस देखें तो ज़्यादा उनका स्ट्रेटिजिक बलस्टिक मिसाइल्स की डेवलपमेंट पे ज़्यादा रहता था टैंक्स की डेवलपमेंट पे ज़्यादा रहता था एंटी टैंक्स की डेवलपमेंट पे आप कह सकते हैं या एंटी टैंक वेपन्स की डेवलपमेंट पे जो है वो ज़्यादा उनका फोकस रहता था लेकिन रॉकेट बेस्ड गाइडेड सिस्टम या रॉकेट बेस्ड सिस्टम्स पे इन जनरल जो है उनका फोकस इतना ज़्यादा नहीं था और उसकी मिसाल भी है कि माजी के अंदर सिर्फ दो ही ऐसे सिस्टम या मेजर सिस्टम आप कह सकते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी की जानब से इस्तेमाल की जाते थे इनमें से एक जो था वो ए वन हंड्रेड मिजाइल सिस्टम था जो कि चाइनीज सिस्टम था और उसकी रेंज जो थी सौ किलोमीटर के आसपास है और इसके प्रॉस्पेक्ट के बारे में हमने माजी में बात भी की हुई है कि पाकिस्तान आर्मी में भी फ्यूचर के अंदर ए टू हंड्रेड और ए थ्री हंड्रेड को परचेज कर सकता है और फिर इसको अपने लोकल इको सिस्टम के अंदर तैयार करके फर्दर इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको मजीद ग्रो कर सकता है लेकिन अब ऑब्वियसली पता है गार्डेड रॉकेट सिस्टम जो है वो डेवलपमेंट के अंदर मौजूद है जिसकी रेंज या प्रॉस्पेक्ट जो है वो ए वन हंड्रेड एंड्रेड और ए थ्री हंड्रेड से भी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हुए नज़र आ रहे हैं तो ये यकीन एक बहुत बेहतर साइन है फिर उसके अलावा एक लोकल बेस सिस्टम के आर एल वन ट्वेंटी टू जो था वो पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए इस्तेमाल है जिसके अंदर गेट्स का बनाया हुआ योक वन ट्वेंटी टू एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि चालीस किलोमीटर की रेंज रखता है सो सोवियत बेस वेपन्स के अलावा जो है ये यमूक वन टवेंटी भी फायर कर सकता था और इंटरेस्टिंगली एक्चुअली अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफ़ेंस प्रोडक्शन की 2016, 2016 2017 की डिस्क्रिप्शन देखें तो उसके अंदर ऐसी चीज़ का हिंट दिया गया था कि फ्यूचर के अंदर एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम की डेवलपमेंट के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं इस पे इसके हवाले से जो है हम आगे चल के बात करते हैं ओके okay, सो so जैसे मैंने बताया कि फतेह मिजाल सीरीज़ का एक्सपेरिमेंट जो है ऑब्वियसली उसका पहला एक्सपेरिमेंट हमें 2020 या 2021 के अराउंड देखने को मिला था जहाँ पे फ़तेह वन का कामयाब तजर्बा किया गया था और फतह वन की रेंज जो है वो 140 किलोमीटर के आसपास है लेकिन ऑल दो इसका टेस्ट जो है वो 2020 हज़ार बीस के आसपास किया गया था लेकिन इसकी डेवलपमेंट पे जो है काम वो 2016 हज़ार के अराउंड ही हमें देखने को मिल जाता है जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने एक्चुअली लिखा हुआ है कि गाइडेड रॉकेट सिस्टम पे काम जारी है ना अब आप इसको जो है यमूव बेस सिस्टम या के आर सिस्टम के साथ एसोसिएट कर सकते थे उस टाइम पर एक चालीस किलोमीटर बेस सिस्टम जो है उसको नाविगेशन बेस्ड केपेबल सिस्टम बनाया जा रहा है या एक फतह बेस्ड सिस्टम जो कि ऑब्वियसली अब हम उसको फतह बेस्ड गाइडेड सिस्टम के साथ ही एसोसिएट करेंगे कि एक ऐसा मिजाज सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर मौजूद है जो कि गाइडेड होगा और फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अहम फेज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकेगा और यहाँ पे एक्चुअली गाइडेड का लफ्ज जो है वो बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि कम्युनिकेशन बेस्ड मिसाइल या नेटवर्क बेस्ड इन्वामेंट के अंदर रॉकेट्स का इस्तेमाल जो है इस पे पाकिस्तान आर्मी का फोकस जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान डिफेंस की ओवरऑल तमाम कमांड्स को देखें जिसमें आर्मी शामिल है एयर फोर्स है नेवी है और इवन स्पेस कमांड भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं तो इन तमाम एसेट्स या इन तमाम विंग्स का रुझान जो है वो इसी जानब है कि एक नेटवर्क बेस्ड इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट के अंदर जो है ख़ुद को ऑपरेट कर सकें जहाँ पर मल्टीपल रिकॉनिसेंस बेस्ड आपके ड्रोन बेस्ड या, या आपके डिफरेंट एवैक बेस्ड इंटेलिजेंस की बेस पर आप टारगेट को सक्सेसफुली और प्रिसाइजली उसको निशाना बना सकें इवन अगर आप लास्ट से पाँच छः साल की मेजर एक्सरसाइजिज देखें जिसमें डिफेंस की ज़्यादा विंग्स मौजूद हैं इंटर ऑपरेट कर रहे हैं या इंटरनेशनल एक्सरसाइज देखें जिसमें डिफरेंट विंग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उसमें कॉमन वर्ड जो है वो इंटर ऑपरेटिबिलिटी के हवाले से ही दिया जाता है कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और एक्चुअली यहाँ पे फिर फतेह गाइडेड रॉकेट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है इसको हम एज एन एग्जांपल भी देख सकते हैं कि लेट्स से ए फोर्स के एसेट जो हैं ड्रोन्स कंसिडर कर सकते हैं ए वैक्स जो हैं वो नेवी के मुख्तलिफ एसड्स के साथ इंटर हैं। इसके साथ अब गार्डेड रॉकेट सिस्टम भी जो है वो कनेक्टेड होगा और लेट्स से कि किसी इमेज बेस्ड इंटेलिजेंस की बेसिस पे या किसी रिकॉनसेंस की बेसिस पे या किसी स्ट्रेटिजिक इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपको कोई लोकेशन मिल जाती है अपनी एनिमी की और उस टारगेट को निशाना बनाने के लिए अब आपके पास लैंड बेस्ड प्रिसाइज रॉकेट मौजूद है जिसके ज़रिए आप एनिमी की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को या क्रिटिकल एसेट्स को प्रिसाइजली निशाना बना सकेंगे सो दैट समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का आमिल फ्यूचर में होने वाला है और यकीन इंटीग्रेटेड इन्वॉर्मेंट के अंदर ही ओवरऑल अगर आप डिफेंस स्ट्रक्चर देखें और ओवरऑल अगर आप डिफ़ेंस प्रोग्रेशन देखें तो इसी जाने वर्ल्ड भी शिफ्ट हो रहा है डेटा शेयरिंग का एस्पेक्ट भी इसमें एक बहुत अहम एस्पेक्ट हो जाता है और अगर इसी एस्पेक्ट को हम फतः गाइडेड रॉकेट सिस्टम के साथ भी फोकस करें तो इस विजन के तहत ही एक सीरियस डेवलपमेंट पाकिस्तान आर्मी की जानव से की जा रही है और एक्चुअली मैं हैरान नहीं होऊंगा कि प्रोसीजन बेस्ड सिस्टम या आर्टिलरी बेस्ड सिस्टम पर अगर हमें डिफरेंट किस्म के वेपन्स भी फ्यूचर में चार से पाँच साल की मद में देखने को मिलें तो एक्चुअली इट वॉन्ट बी अ सरप्राइज कि पाकिस्तान डेवलपमेंट जो है वो इसी डायरेक्शन के अंदर खुद को लेके जा रही है ओके okay, नाउ अगर हम फतह सीरीज़ प्रोग्राम के बारे में स्पेशली बात करें तो इंटरेस्टिंगली ये जो फतह टू मिसाइल सिस्टम है जिसको टेस्ट किया गया है इसके अपेरेंटली दो वर्जन जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं एक जो फ़तेह वन रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया गया था 2021 के अंदर जिसकी रेंज 140 किलोमीटर थी आ, उसका गालबन एक अपग्रेडेड वर्जन जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है और एट सेल लॉन्चर के थ्रू उसका इस्तेमाल किया जाता है यानी एक ही साइकिल के अंदर आठ रॉकेट्स फायर करने की सलाहियत उसमें मौजूद होगी उसका टेस्ट जो है गालबन पिछली दफ़ा पाकिस्तान आर्मी की जानेब से टेस्ट किया गया था आ, लेकिन ये टेस्ट जो है गालबा ये दो सेल वाले लॉन्चर के थ्रू डिफरेंट फतः मिज़ाइल के थ्रू किया गया है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है वीडियो के अंदर एक्चुअली हमें लॉन्चर नहीं दिखाया गया तो ये असल में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि इस दफ़ा हमें इस रॉकेट का लॉन्चर जो है क्यों नहीं दिखाया गया आ, लेकिन गेट्स ने जो है एक्सपो के अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर ये चीज़ एक तरह से कन्फर्म हो चुकी है कि एक डिफरेंट मिज़ाइल भी अब से फ़तः टू ए और टू बी कह सकते हैं कि फतह टू ए जो है उसकी रेंज ढाई सौ किलोमीटर के आसपास है जबकि फतह टू बी की रेंज जो है वो चार सौ किलोमीटर के आसपास है और उसमें फतह टू ए जो है वो एट सेल लॉन्चर के थ्रू इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि फतह टू बी जो है वो टू सेल लॉन्चर के थ्रू इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे एक्चुअली फ्यूचर के आसपेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि फतह थ्री की रेंज जो है अगर आपने देखा हो कि फतह थ्री और फ़तह फोर भी जो है इन डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस में मौजूद हैं और फतह थ्री की एस्टीमेटेड रेंज साढ़े चार सौ किलोमीटर के आसपास है आ, अगर आप इस फ़तह टू बी को देखें तो इसकी रेंज ऑलरेडी 400 किलोमीटर के आसपास होने वाली है तो 50 किलोमीटर की रेंज का डिफरेंस एक्चुअली कोई सिग्निफिकेंट अपग्रेड नहीं होने वाली है तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि फ़तः थ्री के भी फिर फ्यूचर में दो वेरिएंट सामने आए जिसमें फ़तः थ्री ए हो जो कि साढ़े चार किलोमीटर की रेंज का हो फ थ्री बी हो और फतह टू फ टू बी की रेंज जो कि डेढ़ सौ किलोमीटर की रेंज का डिफरेंस है उसी स्टैंडर्ड पे अगर हम फ़ह थ्री को भी कंपेयर करें तो एज पॉसिबल फतः थ्री बी जो है वो छः सौ किलोमीटर की रेंज रखता हो और उसी के साथ फिर फतह फोर के हवाले से भी यही एस्टीमेशन कि फतह फोर ए उसकी रेंज सात सौ किलोमीटर के आसपास हो और फत फोर बी की रेंज जो है वो साढ़े आठ सौ किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए फ़तेह मिजाल सीरीज़ दिस एक्चुअली इस पर बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसपे हम बात कर सकते हैं फतह मिजाल सीरीज़ का एक्चुअली एस फोर हंड्रेड के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है और उसको क्या एस फोर हंड्रेड की आने के बाद ही इस पर सीरीज़ डेवलपमेंट के हवाले से काम शुरू हुआ फ्यूचर के अंदर फ़तेह फोर मिज़ाल के बाद जो है किस किस्म के प्रोस्पेक्ट्स सामने आने को देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले ये केस सामने रखा है कि गाइडेड बेस आर्टिलरी सिस्टम पे जो है पाकिस्तान आर्मी का फोकस बहुत ज़्यादा हुआ है तो इट्स पॉसिबल कि फ़तेह फोर्ड जो है वो एक्चुअली इस सीरीज़ के एंड नहीं है और इसके बाद भी फ्यूचर डेवलपमेंट जो है इसके हवाले से हमें देखने को मिल सकती है जिसमें थाउजेंड किलोमीटर या डिफरेंट रेंज के मिज़ाइल जो हैं वो इन डिवेलपमेंट हो सकते हैं सो so फतेह गाइडेड रॉकेट सिस्टम पर ज़रूर एक फॉलोअप वीडियो भी बन सकती है जिसके हवाले से हम इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर बात कर सकते हैं बट अभी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब uh, तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालस आउट गुड बाय